भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी अक्षीर जी ने पूरी पंचायत के साथ अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, एक बार जोर के साथ तालियों का उनका स्वागत करेंगे। अब इनके बाद यहाँ पर हमारे बड़े ही ताकतवर नेता डीडीसी के मेंबर क्यू मीर जी अपने पूरे इनके परिवार के अंदर, इनके बहू जो है बीडीसी चेयरपर्सन है, इनकी श्रीमती जी वहां की सरपंच है, और अपने सैकड़ों सरपंचों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी माननीय अध्यक्ष रविंदर रैना जी के हाथों से ज्वाइन करने वाले हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा अध्यक्ष जी से कि वो उनको ज्वाइन करवाए। जोरदार तालियों के साथ क्यूमीर जी का भारतीय जनता पार्टी रजौरी में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी का दामन आज इन्होंने अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में रजौरी जिला में थामा है। उनके साथ हमारे मंडल अध्यक्ष जाई जी भी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी उनको पार्टी का पटका पहनाकर उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन कर देंगे। जोरदार तालियों से एक बार क्यूमीर जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत बधाइया। मैं अनुरोध करूंगा क्यूमीर जी से 2 मिनट के लिए वो अपने विचार हम सबके सामने रखेंगे। श्री क्यूमीर जी से मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि उनका भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहुत जोरदार तालियों से मीर साहब का स्वागत किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार और बड़ा हो गया, जिसमें हमारे जाने माने लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं अनुरोध करूंगा कि मीर साहब से वो स्टेज पे आएंगे और अपने विचार रखेंगे, और जो भी स्टेज पे हैं प्लीज उनसे अनुरोध करूंगा वो पीछे चले जाएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि पीछे हो जाइए। हमारे महबूब रहनुमा, हमारी शान, सन ऑफ द साहिल, जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब, हमारे विभोध गुप्ता साहब जो हमारे महबूब रहनुमा हैं, कुलदीप राय गुप्ता साहब एक्स MOS, तालुब साहब चौधरी तालुब साहब जो हमारे इस इलाके की बड़ी शान है, इकबाल मलिक साहब, सुभाष शर्मा साहब, राजेंद्र जी, दिनेश जी, डोगरा साहब, कौशल जी, बाकी जितने भी हमारे मंच पर बैठे नेतागण हैं, और जितने भी लोग आज हमारे डेलीगेट्स बीजेपी के यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, मेरी तरफ से सबको सलाम आदाब सत श्री अकाल। आज मैं काफ़ी अर्सा से इस पार्टी के साथ जहनी तौर पर, दिली तौर पर जुड़ा हुआ था, लेकिन आज पूरे तौर पर जो है इसके साथ वाबस्तगी जो है मेरी आज हो गई है। शामिल हुआ हूँ, इसलिए शामिल हुआ हूँ कि इसकी पॉलिसियाँ जो हैं वो गरीब के हक में हैं, इसके जो काम हैं वो गरीबों के हक में हैं। ये 130 करोड़ आवाम की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, गरीबों के अकाउंट्स में बगैर पूछे जो है पैसे डाले जाते हैं, जिससे उनको काफ़ी राहत मिलती है। आई डेवलपमेंट की बात देखो, पहले जब जो सरकारें नहीं हैं, जब भी हम सुबह अखबार पढ़ते थे या टीवी देखते थे, तो उस वक्त यही कहा जाता था, पहली खबर होती थी कि ये राजा इतने हजार करोड़ का जो है वो घोटाला हो गया है, पी चिदम्बरम इतने हजार करोड़ का घोटाला हो गया है। आज जो है ये 8 साल से हमने ये नहीं सुना कि कोई भी मिनिस्टर, कोई भी इसमें जो शामिल लोग हैं हमारी हुकूमत के, वो किसी घोटाले में शामिल हुए हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने हर तबका के लिए इंसाफ की बात की है। हमारे यहाँ गुजर बकरवाल तबका को जो 1991 से उनको रिजर्वेशन के राइट्स मिलने थे नहीं दिए गए, आज बीजेपी सरकार आई है तो उन्होंने उनको जो है अपने राइट्स दिए हैं, रिजर्वेशन रूल्स लागू किए हैं। पहाड़ी तबका जो इतने अरसे से कोशिश कर रहा था और उनके लिए उनके साथ ड्रामा खेला जाता था, और जब भी फाइलें रिकमेंड होती थी और उसको डस्टबिन में रखा जाता था, लोगों को सिर्फ वोट की खातिर इस्तेमाल किया जाता था, और आज इसी सरकार ने
उनको जो है वो रिकग्नाइज किया है, वो 4% रिजर्वेशन भी दिया, इनको ट्राइब का दर्जा भी दिया और आज इनके अस्थि के लिए रिकमेंड भी जो है कमीशन की तरफ से किया जा गया है। तो हम इनके लिए इसकी वजह से हम इनके बड़े मशहूर हैं, इनके एहसान मंद हैं और एहसान का बदला जो है हम इंशाल्लाह पूरे तौर पर जो है चुकाएंगे और पूरी सपोर्ट करेंगे। ग्राउंड लेवल पर हम सब लोगों को यूनाइट रहना चाहिए, मुतहद रहना चाहिए और सरकार के साथ शामिल होकर जो है अपने काम का जो है करवाने चाहिए, अपने मुल्क का अपने इलाके की डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करना चाहिए। हमें इस लीडरशिप पर पूरा अहतमाद है, पूरा भरोसा है, इसलिए हम इनके साथ शामिल हुए हैं। वो जो सरकार है लोगों का इस्तेहसाल करती रही, आज लोगों की नज़र में वो नंगे हो गए हैं, इसलिए सब लोग जो हैं सभी पार्टियों को छोड़कर जो है शाना बछाना जोग दर जोग जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ कि आज मैं पूरे तौर पर इन्होंने मुझे यहाँ ज्वाइन किया है और मैं अपने अवाम की तरफ से मेरे काफ़ी जो पंचायत के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं और इलाके के लोग भी और जो अक्सरियत तबका है वो हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ कर इनके साथ काम करेंगे और अपने लोगों की बहबूदगी के बारे में सोचेंगे। आज जल जीवन मिशन जो है हर घर में पानी का जो है वो स्कीमें जो हैं प्रोजेक्ट बने हैं, वो टेंडर भी हो गए हैं, हर घर में पानी दिया जाएगा। पहले पानी के लिए एक पाइप के लिए लोग तरसते थे, आज उनके हर घर में पानी मिलेगा, हर घर में बिजली का पोल, हर घर में रोशनी और डेवलपमेंट सड़कें। एक चीज मैं रैना साहब से कहूंगा कि हमारी PMGSY की काफी सारी रोडें सेंक्शन हुई थी, लेकिन वो पिछले दिनों में मंत्री साहब ने जो रूरल डेवलपमेंट के हैं उन्होंने को मीटिंग ली है तो उसमें उन्होंने कहा कि ये रोडें जो हैं नहीं बनानी है, उसके लिए जनाब कहेंगे उनको ताकि वो हमारी रोडें जो है वो प्रायोरिटी पर रखेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त कम है। मैं आप सबका बड़ा मशहूर हूँ जो यहाँ इतनी तादाद में लोग शामिल हुए, शुक्रिया बहुत बहुत।